कितना ही मस्त दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए दोस्तों कितना मस्त लौजी तैयार हो गया है। तो चलिए अब थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है सोनू फैमिली ब्लॉग चैनल में। मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों सुबह के समय और सुबह मौसम एकदम ठंडा ठंडा किया हुआ है दोस्तों। चलिए आज का ब्लॉग में आप सभी को दिखाएंगे दोस्तों। तो आप सभी ब्लॉग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और चलते हैं आज आम का लौजी बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे आम को छील लेते हैं, चक्कू नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कद्दूकस की मदद से छील ले रहे हैं, चक्कू बाबू बिक दिया दोस्तों क्योंकि बहुत ही भंगड़ है। चलिए इसी तरह छील लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों एक पीस छील लिए हैं और तीन पीस आम लिए हैं दोस्तों। चलिए कद्दूकस की मदद से अच्छी तरह से देखिए इस तरह से छील लेते हैं दोस्तों। तो चलिए चलिए सभी को छील लेते हैं। और देखिए 50 ग्राम गुड़ लिए हैं दोस्तों और जीरा है और ये सरसों है दोस्तों, तेजपत्ता, मिर्चा। तो चलिए सभी आम को छील लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों सभी आम को अच्छी तरह से छील ली। और चलिए कद्दूकस कर लेते हैं। उधर देखिए दोस्तों गीता जी चूल्हा में आग बाल दी है। चलिए कढ़ाई में दो गिलास पानी डालेंगे दोस्तों और आम का थोड़ा सा उबाल लेंगे। तो चलिए हम कद्दूकस कर लेते हैं, चाकू नहीं है दोस्तों से इसे छीलते हैं। इसमें हड्डी है दोस्तों, गुठली वाला है। तो चलिए इसी प्रकार से। और ये देखिए दोस्तों सभी आम को पीस पीस में कटिंग कर लिए हैं और ज़्यादा नहीं निकला दोस्तों क्योंकि इसमें घोटली निकल गया दोस्तों। और बढ़िया कह के आम दिया मगर इसमें घोटली निकल गया दोस्तों। तो चलिए इधर पानी गर्म हो गया है दोस्तों, तो बस एक मिनट इसे उबालने के लिए डालेंगे दोस्तों। अगर पानी गर्म है तो बस इसे डाल के तुरंत एक मिनट। तो चलिए दोस्तों डाल दिए क्योंकि ज़्यादा नहीं उबालना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आम को एक मिनट उबाल लिए दोस्तों। चलिए उतार लेते हैं और इसे छान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा उबालिएगा दोस्तों तो सारा ही गल जाएगा दोस्तों, इसीलिए एक मिनट दो मिनट ही उबालिएगा। और ये देखिए दोस्तों आम को सभी अच्छी तरह से छान लिया। चलिए अब कढ़ाई देते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ा वाला कढ़ाई है दोस्तों हम लोग के पास, तो इसी से बनाएंगे। तो अच्छी तरह से कढ़ाई गर्म हो गया है। तो चलिए एक से डेढ़ चम्मच तेल डालेंगे दोस्तों। तो चलिए तेल गर्म होने देते हैं। और ये देखिए दोस्तों तेल गर्म हो गया। तो चलिए जीरा तेजपत्ता को सभी को देते हैं। और ये देखिए दोस्तों तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। तो चलिए पहले जीरा को छोड़ते हैं दोस्तों। तो चलिए जीरा, इसके बाद तेज पत्ता देते हैं दोस्तों और सरसों देते हैं थोड़ी है दोस्तों और लाल मिर्चा इसे भी देते हैं। तो चलिए इसे चटचटा भूंज लेते हैं दोस्तों। तो चलिए अच्छी तरह से भुंजा रहा है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों अच्छी तरह से भुंजा गया। तो चलिए गुड़ अब छोड़ते हैं दोस्तों। और ये रहा दोस्तों गुड़। तो चलिए इसे धीरे धीरे चलाते हैं दोस्तों। देखिए लौजी इस तरह से आम लौजी बनता है दोस्तों। तो देखिए धीरे धीरे इसमें पूरा सिरा जैसा बनेगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों कितना मस्त लौजी तैयार हो गया है। तो चलिए अब थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं दोस्तों। तो इसे चलाते रहना है दोस्तों क्योंकि और धीमा आंच में आप सभी पकाएंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा आंच लगेगा दोस्तों तो
जलने का चांस ज़्यादा रहता है। और देखिए लौजी एक मस्त एकदम तैयार हो गया है, तो थोड़ा और पानी छोड़ देते हैं दोस्तों। और देखिए अच्छी तरह से तैयार हो गया। और ये देखिए दोस्तों अच्छी तरह से गुड़ जीरा मर्चा सभी को लौजी को भून लिए दोस्तों। और चलिए अब आम जो उबाले थे दोस्तों, तो आम वाला लौजी गुड़ वाला में डाल देते हैं गुड़ में दोस्तों। और ये देखिए ज़्यादा नहीं था दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों फाइनली आम वाला दे दिए दोस्तों। और चलिए इसे डबकाते हैं दोस्तों, और अच्छी तरह से इस आम में पेस्ट जाएगा दोस्तों, और खट्टी मीठी बहुत ही मस्त लगता है। तो चलिए इसे उबाल लेते हैं, कितना मस्त एकदम। और ये देखिए दोस्तों आम वाला लौजी अच्छी तरह से तैयार हो गया, तो चलिए उतार लेते हैं दोस्तों। और एकदम मस्त तैयार हो गया है, देखिए कितना मस्त एकदम। ज़्यादा आम नहीं था दोस्तों, ज़्यादा आम रहता तो पूरा भर कढ़ाई बनाते दोस्तों। और आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है दोस्तों। और ये देखिए कितना मस्त। और ये देखिए दोस्तों आम वाला लौजी एकदम मस्त तैयार हो गया, तो चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं दोस्तों। चलिए चेक करके बताइए जी। और ये देखिए कितना मस्त है दोस्तों। ओ हाँ, तो बहुत ही मस्त लगा दोस्तों। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।